हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको व्यापार किस क्षेत्र में करना चाहिए, आपकी माली हालत कैसी रहेगी और आज आपको किसी महिला मित्र से लाभ मिलेगा या हानि, किस अधिकारी से आज आपको लाभ मिलना है ये भी बताएंगे और आज आपकी माली हालत कैसी रहेगी, मित्रों की स्थिति कैसी रहेगी, किस फील्ड में नौकरी करेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, स्थानांतरण होगा या वहीं रहेंगे, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करना है और आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, सब भी आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप क्या करें कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखें, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन खास तौर से एकेडमिक रूप में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप शिक्षा के फील्ड में कोई नया कार्य करना चाहते हैं, कोई नया प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि खोलने की योजना बना रखे हैं तो उस योजना से आपको लाभ मिलेगा। माली हालत आपकी अच्छी होगी। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। रोग और शत्रु परास्त होंगे। खड्यंत्रकारी विफल होंगे। इनकम का जरिया बढ़ेगा। वाणी पर नियंत्रण करें। जो भाषा वाणी आपको खराब लगे उस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें। हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। अकारण शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। खड्यंत्रकारी विफल होंगे और रोग और शत्रुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होते हुए दिख रहा है। जगह जमीन खरीदने की संभावना बन रही है। पत्नी का सहयोग रहेगा। पत्नी को सरकारी नौकरी मिलते हुए दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से आज आपको धन मिलेगा। माली हालत आपकी देखा जाए तो चतुर्थिक रूप से उत्तरोत्तर विकसित होगा और घर परिवार के लिए कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपके पुराने विवाद फिर से नए तरीके से शुरू हो सकते हैं और कोई भी नया कार्य करते हैं तो साझेदारी में नया कार्य करने से परहेज करना है। शेयर से भी अगर कोई नया कार्य करते हैं शेयर के क्षेत्र में तो उससे भी बचना है, नहीं तो आपको भारी उसमें नुकसान होते हुए दिख रहा है। यदि आप एकेडमिक कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको प्रचार्य, कुलपति या कुछ बड़े पद पर जा सकते हैं। राजनीतिक लाभ मिलते हुए दिख रहा है और भी कुछ नया कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी ये बरतनी कि खान पान पर नियंत्रण रखें और भाषा वाणी पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना है। आज आप क्या करें कि गौशाला में जाएं और अपने हाथ से गाय को चना खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और गुरु माता को लाल वस्त्र या पीला वस्त्र अगर दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको विद्या अध्ययन के लिए पुस्तक है, कॉपी है, पेन है, उसको गिफ्ट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हरे कृष्ण।